नशा मुक्ति अभियान के तहत थाना नानोता पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसका नाम उस्मान पुत्र हाजी निसार अहमद बताया जा रहा है। इसके पास से पुलिस ने 1 किलो 102 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। और साथ ही अभियुक्त से एक ट्रैक्टर महिंद्रा भी बरामद हुआ है। क्रम में यहाँ पर थाना नालंदा टीम द्वारा कल इसमें यहाँ पर मुखबिर की सूचना पर कस्बे में एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके पास से करीब 1 किलो 1100 ग्राम करीब, जिसकी कीमत लगभग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1.5 करोड़ रुपये, उसके साथ उसको पकड़ा गया है। और इसी के साथ ये जिस वाहन पर था एक ट्रैक्टर, वो भी इसमें बरामद किया गया है, जिस ट्रैक्टर में ये छुपा कर ले जा रहा था बेचने के लिए। और इसी में इसका जो एक साथी है वो अभी जो है वो भागने में अभी कामयाब हुआ, जिसको हम लोग तलाश कर रहे हैं। क्या वो एक पुराना अपराधी? ये जो अभी पकड़ा गया है, इसका एक गंगो में ये 376D में ये पहले इसका उसमें अभियुक्त रहा है, और जो दूसरा भागने में कामयाब रहा है उसका नाम, वो भी पहले कई मुकदमों में इसने NDPS में जा चुका है। सहारनपुर में मंगलवार को जिले के सभी ब्लॉक्स के नवनिर्वाचित प्रमुख व सदस्यों को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर शपथ ग्रहण कराई गई, जिसमें सबसे पहले जनमंच सभागार में बलिया खेड़ी की ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया, जिसके बाद SDM ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख सोनिया को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। जो प्रमुख निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। जनता रोड स्थित एक होटल के सभागार में बहुजन समाज पार्टी के ब्लॉक पुआरका के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मेहरबान मुखिया ने भी शपथ ग्रहण की, जिनको SDM द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई, जिसके बाद मेहरबान मुखिया ने सभी सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। विकासखंड मुजफ्फराबाद में भाजपा के उपाध्यक्ष सोनेंद्र राणा की अध्यक्षता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में SDM बेड दीप्ति देव यादव ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख राखी पुंडीर को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख राखी पुंडीर ने सभी सदस्यों को उनके पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुजफ्फराबाद निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रमुख और अखंडता
बेहट के ब्लॉक सड़ोली में एसडीएम बेहट दीप्ति देव ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख चौधरी विश्वास व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को उनके पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। क्षेत्र पंचायत सड़ोली में निर्वाचित ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत। देवबंद में ब्लॉक प्रमुख के शपथ ग्रहण समारोह का सपा की प्रत्याशी रही नीतीशा राणा वे उनके समर्थक बीडीसी सदस्यों ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया, जहां पर सपा प्रत्याशी रही नीतीशा राणा ने कहा कि चुनाव में उनके साथ धांधली हुई है, जिसके विरोध में वह आज अपने 70 से ज़्यादा बीडीसी सदस्यों के साथ इस शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, खुले आम धांधलीबाजी, क्योंकि मैं तो अंदर थी, मेरे सामने ही सब कुछ हुआ है, हर एक चीज़ मेरे सामने हुई है। पूरी चीटिंग करके हमारी वोट्स काउंट नहीं हुई और उन्होंने अपनी वोट्स को डबल काउंट करा के और खुद जीत गए हैं। इसी के सपोर्ट में आज हमारे सारे बीडीसी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने उस शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया है। हमारे 70+ बीडीसी हैं यहाँ पर जिन्होंने हमारे लिए वोट कास्ट किया था और जो हमारे सपोर्ट में आए और शपथ ग्रहण में नहीं गए हैं। वहाँ कितने की संभावना है, कितने होंगे? कहना चाहूँगी कि अब हमने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है। हम चाहती हूँ जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। हमने बहुत मेहनत करी है, सब लोगों ने बहुत मेहनत किया हमारे साथ और मैं चाहती हूँ कि कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, सब कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में हर चीज़ होनी चाहिए और हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए। मैं हरपाल सिंह वर्मा, जिला अध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा सहारनपुर, समस्त जिले व नगर वासियों को बकरा ईद की बहुत बहुत बधाई वे हिंदू भाइयों को सावन मास की बहुत बहुत बधाई।